Today we are going to discuss about the post-mortem lividity. Post-mortem lividity. देखिए post means after, mortem means death. Death के बाद lividity means होता है bluish color, bluish to purple या bluish color जो body के ऊपर appear होता है उसको हम post-mortem lividity कहते हैं. Post-mortem lividity. पोस्टमार्टम लिविडिटी को हम पोस्टमार्टम स्टेनिंग भी कहते हैं. पोस्टमार्टम स्टेनिंग भी कहते हैं, कैडेवरिक लिविडिटी भी कहते हैं, पोस्टमार्टम हाइपोस्टेसिस भी कहते हैं, सुबुलेशन भी इसको कहा जाता है और वीबीसीज या लीवर मोर्टिस भी इसको कहा जाता है. यानी कि ये जो पार्ट है, यानी कि ये जो नाम हमने बताए हैं, ये एक तरह से आप सिनोनिम्स ऑफ पोस्टमार्टम लिविडिटी है. देखिए स्टेनिंग मींस कलर, इसी तरह से कैडेवरिक मींस डेड, लिविडिटी मींस ब्लूइश कलर. हाइपोस्टेसिस को क्यों कहा है, हाइपोस्टेसिस कहते हैं हाइपो के मायने नीचे, हाइपो के मायने नीचे, और स्टेसिस के मायने होता है ठहराव. यानी कि जो फ्लूड ब्लड होता है वो जाकर उन हिस्सों पर ठहर जाता है नीचे की तरफ, तो उसको हम स्टेसिस का नाम देते हैं. सबकुटेनियस हाइपोस्टेसिस, यानी कि क्योंकि ये जो है स्किन के ठीक नीचे डेवलप होती है, स्किन के ठीक नीचे अपीयर होती है सबकुटेनियस, तो इसलिए इसको सबकुटेनियस हाइपोस्टेसिस कहा गया है. सुबुलेशन क्यों कहा है, इसको सुबुलेशन के माने होता है ब्रूराइज, यानी कि नीलापन, ए लिविड मार्क, एक नीला निशान, जैसे चोट मार्क पीट का निशान होता है ना, बेल्ट वगैरह से पीटते हैं तो वो जो निशान अपीयर होते हैं, तो वहां पर आपका क्या होता है ब्रूराइज हो जाता है, इससे मिलता जुलता है, इसलिए इसको सुबुलेशन भी कहा जाता है. वीबीसीज के मायने भी आपका ब्रूराइज के हैं, और लीवर मोर्टिस के मायने भी आपका नीलापन, यानी कि मौत के बाद जो लीवर ब्लूइश कलर आता है उसको हम लीवर मोर्टिस का नाम देते हैं. तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम ऑफ पोस्टमार्टम लिविडिटी. पोस्टमार्टम लिविडिटी देखिए कहते किसको है पोस्टमार्टम लिविडिटी. लिविडिटी मैंने बताया ब्लूइश या ब्लूइश पर्पल कलर. जब इंसान की डेथ हो जाती है तो जिस पोजिशन में बॉडी पड़ी हुई है, जिस पोजीशन में भी बॉडी पड़ी हुई है, उसके जो इंडिपेंडेंट पार्ट होते हैं, यानी कि नीचे वाले हिस्से होते हैं जो जमीन पर नहीं टिके हुए होते हैं, उन जगहों पर क्या होता है कि ब्लड जो है सर्कुलेशन तो बंद हो गया, लेकिन ब्लड क्या होगा वो ड्रेन होके नीचे आ जाएगा ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, क्योंकि आपकी ब्लड कैपिलरीज की टोन भी खत्म हो जाती है, सर्कुलेशन बंद हो गया, तो अब क्या होगा कि जो ऊपर की तरफ ब्लड है वो ड्रेन होके बॉडी के उन पार्ट तक जाएगा, उन नीचे की तरफ, उन हिस्सों पर जाएगा जो हिस्से टिके हुए नहीं है. जो हिस्से टिके हुए हैं, जो पार्ट टिके हुए हैं, वहां की ब्लड वेसल्स जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होंगी, वहां से कोई चीज बह के नीचे नहीं जा सकती है, तो इसलिए उन जगहों पर पहुंच जाता है जहां पर जो है आपका जो हिस्से टिके हुए नहीं होते हैं, तो वहीं पर जो है आपका क्या हो जाता है कि ये फिर ब्लूइश कलरेशन यहां पर अपीयर हो जाता है, एक्यूमुलेट होने की वजह से ब्लड फ्लूड, तो ब्लूइश कलरेशन जो है वो अपीयर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं पोस्टमार्टम लिविडिटी कहते हैं. कहां पर, अंडर द स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन्स आफ्टर डेथ. सबकुटेनियस टिश्यूज के, सबकुटेनियस स्किन, यानी कि स्किन के ठीक नीचे की तरफ, खासतौर से इंडिपेंडेंट पार्ट पर, बार बार मैं कह रहा हूं आपको, इंडिपेंडेंट पार्ट यानी कि जो नीचे वाले हिस्से हैं वो टिके हुए नहीं है, बॉडी जिस भी पोजिशन में हो, अगर वो कमर के बल लेटी है तो कहां पर, ये आपका नेक पर होगा, ये बैक पर होगा, और थाई पर होगा, काफ पर होगा, और आपका किस पर, नीचे की तरफ मौजूद होगा. और कहां पर ये नहीं होगा, कहां पर ये नहीं होगा, जो हिस्से टिके हुए हैं, जो पार्ट्स टिके हुए हैं, जब बॉडी सुपाइन पोजीशन में पड़ी है, बॉडी सुपाइन पोजीशन में पड़ी है, तो देखिए कौन कौन सा पार्ट आपका टिकता है. ये ऑसिपुट, यानी के पीछे का पोर्शन स्कल का, इसको ऑसिपुट कहते हैं, ये हिस्सा टिका होता है. ये शोल्डर ब्लेड्स जो है वो आपका टिके हुए होते हैं, और बुटॉक्स आपके टिके हुए होते हैं, और आपके काफ और पिंडली जो है आपका, पिंडली सॉरी, ये हील जो है वो आपका जमीन पर टिकी हुई होती है, तो इसलिए उन साइट्स पर जो है ब्लड जो है वो नहीं पहुंच पाता है, और वो हिस्सा जो है वो कैसा रहता है, पेल रह जाता है. इसी तरह से चूंकि ब्लड ऊपर से बह के नीचे चला गया, यानी कि ब्लड फ्लूड जो बचा था, सर्कुलेशन तो स्टॉप हो गया, लेकिन जो ब्लड फ्लूड जो है वहां पर मौजूद है वो बह के नीचे आएगा, तो ऊपर के हिस्से ऑटोमेटिक आपका पेल हो जाएंगे. जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है, यानी कि जो जमीन से ऊपर है, वो ऑटोमेटिक खुद ब खुद ही जो है कैसे हो जाते हैं,
फेल हो जाते हैं। ये होता किसकी वजह से है, मैंने अभी आपको बताया, कॉज्ड बाय स्टॉपेज ऑफ सर्कुलेशन। ब्लड नीचे कैसे जा रहा है, जब ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो गया है तो अब उसके अंदर तो ब्लड फ्लो होकर नहीं जाएगा, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ब्लड जो है वो आपका नीचे की तरफ चला जाता है, इंडिपेंडेंट पार्ट की तरफ से सिंक हो जाता है नीचे की तरफ। अपर पोर्शन पेल हो जाता है ड्यू टू द ड्रेन, अभी आपको बताया मैंने। सबसे पहले कहां पर अपीयर होगा और किस तरह से होगा, देखिए सबसे पहले चूंकि ब्लड कैपिलरीज के अंदर टोन खत्म हो जाता है तो सबसे पहले वो इंडिपेंडेंट पार्ट पर नीचे की तरफ जो है आपका डॉटेड की शक्ल में, कैसे आपका जैसे यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर एक, डॉटेड की शक्ल में होगा, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, पैच कहते हैं, इसको क्या नाम देंगे हम आपका, पैची मोटिल स्किन कहेंगे, पैची मोटलिंग स्किन इसको हम कहते हैं। तो पहले इस तरह से दूर दूर फार स्पॉट्स से बनेंगे, जिनको पैच से बनेंगे, उसके बाद क्या होगा, ये पैच आपस में एक दूसरे के से क्योंकि बढ़ती जाएगी तो ये आपस में एक दूसरे से मिलते चले जाएंगे और फिर बहुत बड़ी जगह पर जो है आपका, यानी कि आपका ये समझिए प्रोड्यूस एक्सटेंसिव डिस्प्लेस, पहले दूर दूर होगा लेकिन फिर बाद में जो है वो सब बढ़ता चला जाएगा तो फिर बहुत बड़ा एरिया जो है वो दिखाई देगा डिस्कलरेशन का। सबसे ज्यादा जो ये दिखाई देता है मोर मार्क्ड जो किस में होता है, फेयर स्किन, जो मतलब गोरे रंग के आदमी होते हैं या गोरे रंग के पर्सन होते हैं या फेयर स्किन होते हैं उनमें ये बहुत तेजी से दिखाई देता है, बहुत ज्यादा तेजी से दिखाई देगा। लेकिन कुछ जो है डिजीज ऐसी है, कुछ डिजीज ऐसी होती है जिनमें जो है आपका ये जो स्टेनिंग है ये कब दिखाई देती है, कम दिखाई देती है, जैसे आपका सीवियर एनीमिया की कंडीशन में या हेमरेज की कंडीशन, ये बहुत लाइट दिखाई देगी आपको इन डिजीज के अंदर। इन प्लीथोरिक पोजिशन इसकी जो अपीयरेंस है, देखिए कब किस आदमी के अंदर, किन इंसानों के अंदर जो है वो कब ये एक्सटेंड होता है, कब शुरुआत होती है इसकी, देखिए जो प्लीथोरिक पर्सन होते हैं, प्लीथोरिक कहते हैं जिनके अंदर ब्लड बहुत ज्यादा मात्रा में, ब्लड बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, हेल्दी पर्सन समझ लीजिए आप, तो उनमें जो है ये आधा से एक घंटे के अंदर अपीयर हो जाती है, आधा से एक घंटे के अंदर अपीयर होना शुरू हो जाती है। लेकिन जो वीक पर्सन है, कोई एनीमिक पर्सन है, एनीमिक पर्सन है तो उनमें जो है एक से चार घंटे, 1 to 4 hours लेती है यानी कि शुरुआत होने में, और इसको कंप्लीट होने में तकरीबन 6 से 12 घंटे, 6 to 12 hours जो है आपका पोस्टमार्टम लिविडिटी को कंप्लीट होने में लग जाता है। अपीयर शॉर्टली किन में, जल्दी किन में अपीयर होगी है, सर्कुलेटरी फेल्योर के पेशेंट में, कॉलरा के पेशेंट में, टाइफस, टीबी या यूरिमिया, इन वजहों से अगर इंसान की मौत हुई है तो उनमें ये आपका पोस्टमार्टम लिविडिटी बहुत तेजी के साथ जो है वो आपका अपीयर होती है। स्प्रेड या डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ये कैसे, कहां से शुरुआत होती है और कहां तक किस तरह से ये फैलती है, देखिए सबसे पहले इसका जो स्प्रेड है वो होता है नेक से शुरू, कहां होता है, बैक ऑफ द नेक से, अगर बॉडी जो है वो एट द बैक पड़ी हुई है तो कहां पर शुरू होगा, ये एट द बैक यानी कि बैक ऑफ द नेक, नेक से शुरू होगा, फिर उसके बाद शोल्डर में और फिर पूरी आपका एंटायर बैक पर, पूरी पीछे के पोर्शन पर जो है ये फैल जाता है, तो वहां से ये शुरू होता है। और सबसे ज्यादा दिखाई देता है आपका ईयर लोब्यूल्स के अंदर, ईयर लोब्यूल्स जो होते हैं या अंडर द नेल, नाखूनों के नीचे और आपका ईयर लोब्यूल्स पर ये बहुत तेजी के साथ जो है आपका दिखाई देता है, बहुत ज्यादा दिखाई देता है। किन जगहों पर ये नहीं दिखाई देगा, नोट सीन, किन जगहों पर नहीं दिखाई देगा, यानी कि नंबर एक बात कि जो हिस्से टिके हुए हैं, जो पार्ट जमीन पर टिके हुए हैं, चाहे बॉडी किसी भी पोजिशन में हो, जिस भी पोजिशन में होगी, जो हिस्सा उसका टिका हुआ होगा, उन साइट्स पर ये जो है आपका नजर नहीं आएगा। अगर बॉडी, मैंने बताया अभी आपको कि बॉडी अगर सुपाइन पोजिशन में लेटी है तो ऑसिक्यूटल रीजन पर, शोल्डर ब्लेड्स पर, बुटॉक्स पर और हील्स वगैरह पर जो है ये आपका नहीं दिखाई देगा, या जहां पर टाइट बेंड्स लगे हुए हैं, टाइट बेंड से मतलब है कि बहुत बॉडी यानी कि कॉलर जो है वो बहुत टाई बांधी हुई है और ये जो है बहुत मजबूती के साथ बटन लगा हुआ है, तो इस साइड पर जो है आपको कैसा पेल कलर दिखाई देगा। बेल्ट अगर टाइट बंधी हुई है तो उस साइड पर, जारबंद जिसको कहते हैं वेस्ट बेंड वहां पर लगा हुआ है तो उस साइड पर, या डेड बॉडी पड़ी हुई है, कपड़े है उसके बदन पर और
सिलवटे आई हुई है शर्ट्स के ऊपर, सिलवटे आई हुई है, तो वो भी पार्ट जो है वो मतलब दबे हुए माने जाएंगे। तो उन साइट्स पर भी आपका ये नहीं दिखाई देगा, यानी कि नोट सीन टाइट बैंड्स पर, क्योंकि वहां पर जो है आपका एक तो ब्लड कैपिलरीज तो वो हो ही जाएंगी, यानी कि बंद हो जाएंगी टाइटनेस की वजह से। तो वहां पर जो है आपका कंफ्यूजन भी हो जाता है कभी कभी, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि जैसे मान लो गले के ऊपर है ये ऐसे बंद, ऐसे बंद होने पर जब इसको खोला गया तो वो निशान जो है वो मार्क यहां पर दिखाई देगा। तो कभी कभी ये कंफ्यूजन हो जाता है कि यार कहीं हैंगिंग का केस तो नहीं, ये कहीं हैंगिंग का केस तो नहीं है, ये स्ट्रेंगुलेशन का केस तो नहीं है, तो यहां पर कुछ कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। अगर हैंगिंग का केस दिखाई दे रहा है, यानी कि बॉडी लटकी हुई है सस्पेंशन की कंडीशन में है, तो उसमें कहां पर दिखाई देगा? आपका लोअर पोर्शन या लोअर पार्ट ऑफ द लिम्स, लिम्स के लोअर पार्ट, क्योंकि ब्लड जो है वो ड्रेन होकर नीचे तो आएगा, ऊपर तो रुकेगा नहीं, तो वो ब्लड जो है ड्रेन होकर नीचे आता है, तो इन लोअर लिम्स के पार्ट पर जो है वो ज्यादा दिखाई देगा। अगर पोस्टमार्टम लिविडिटी सेट होने से पहले बॉडी की पोजीशन बदल दी जाती है कुछ वक्त पहले ही, यानी कि अभी डेड हुआ आधा घंटे घंटे में जो है उसको जगह बदल दी किसी ने अपने आप को बचाने के लिए, कोई भी वजह रही हो कि उसको बॉडी को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह डाल दिया गया हो, तो जब एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएंगे तो वो किसी भी पोजिशन में गिर सकता है। तो अगर लिविडिटी सेट नहीं हुई है तो अब लिविडिटी कहां अपियर हो जाएगी? जिस करवट, जिस साइट पर वो पड़ा हुआ है, यानी कि जिस तरफ से वो पड़ा हुआ है वहां पर होगी, लेकिन शुरुआत जस्ट आफ्टर डेथ हो जाती है, तो हल्की स्टेनिंग वहां पर भी मिलेगी जिस पोजीशन में वो सबसे पहले था। ये एक अहम पॉइंट होता है कि बॉडी अपनी जगह पर पड़ी थी या उसकी जगह बदली गई, या उसकी जगह बदली गई है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है ना। तो अगर वो आपका लिविडिटी फिक्स हो गई, कंप्लीट हो गया 6 से 12 घंटे का वक्त, तो अब क्या होगा कि वो फिक्सेशन ऑफ लिविडिटी क्या है, अब जो है अगर बॉडी की पोजीशन भी बदली जाएगी तो वो नहीं बदली, लेकिन डेथ के बाद जब ये ब्लू कलरेशन आता है, तो बहुत से लोग जो अननोन पर्सन होते हैं या अननोन जिनको नॉलेज नहीं होती है वो इसको पॉइजनिंग का केस मान लेते, ब्लू कलरेशन नीचे आया है उनको तो नहीं पता है, तो जब वो बॉडी पलटते हैं तो देखते हैं यार इसके तो नीला निशान हो रहा है, ये तो नीली पड़ रही है बॉडी, तो कहीं इसको पॉइजनिंग का तो नहीं हुआ है, पॉइजन तो नहीं दे रखा है, तो ये शक हो जाता है ना। तो वो नहीं जानते कि पोस्टमार्टम लिविडिटी है। कुछ पॉइजन ऐसे होते हैं, कुछ पॉइजन अभी मैं आपको इसके बारे में लिख रहा हूं, कुछ पॉइजन ऐसे होते हैं जिनके बारे में उनके लेने से भी इस तरह का कलर जो है वो अपीयर हो जाता है, तो वहां पर कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि ये पॉइजनिंग केस है या पोस्टमार्टम लिविडिटी। तो ये पोस्टमार्टम लिविडिटी यानी कि ब्लूश और ब्लूश पर्पल डिसकलरेशन ऑफ द बॉडी, कब? आफ्टर डेथ, अंडर द स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन्स आफ्टर द डेथ। किसकी वजह से होता है? एक्यूमुलेशन और पूलिंग ऑफ फ्लूड ब्लड ऑन इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड एक्यूमुलेट इन टोनलेस कैपिलरीज, अपर पोर्शन विल बी पेल ड्यू टू द ड्रेन ऑफ द फ्लूड ब्लड, नीचे चला जाएगा और सबसे पहले क्या होगा, एट फर्स्ट पैची मॉटलिंग होगी, फिर वो मॉटलिंग जो है वो आपका एनलार्ज होती जाएगी, कंबाइन होती चली जाएगी और बाद में आपका प्रोड्यूस एक्सटेंसिव डिसकलरेशन हो जाएगा। मोर मार्क्ड इन फेयर स्किन पर्सन की बॉडी में, यानी कि जो गोरे आदमी है उनकी बॉडी में जो है बहुत तेजी के साथ दिखाई देगा। लाइट स्टेनिंग कब होगी? लंबी बीमारियों के कारण, अगर मौत हुई है सीवियर एनीमिया या हेमरेज की कंडीशन में आपका इसमें लेस दिखाई देगी। इन प्लीथोरिक पर्सन, जिसके अंदर ब्लड बहुत ज्यादा है उसमें ये बहुत तेजी से दिखाई देगी, बहुत ज्यादा दिखाई देगी, और ये सिर्फ आधा से एक घंटे के अंदर अपीयर होना शुरू हो जाती है। लेकिन जो एनीमिक पर्सन है उनमें 1 से 4 घंटे लग जाते हैं अपीयर होने में, शुरुआत होने में, और 6 से 12 घंटे में ये लिविडिटी जो है वो कंप्लीट हो जाती है, यानी कि फिक्सेशन हो जाता है 6 से 12 घंटे के अंदर। शॉर्टली अपीयर शॉर्टली इन सर्कुलेटिंग फेल्योर, कॉलरा, टाइफस, टीबी, यूरिमिया, इन कंडीशन में अगर आदमी की मौत हुई है तो ये बहुत तेजी के साथ अपीयर होता है। स्प्रेड और डिस्ट्रीब्यूशन कहां से शुरू होगा, यानी कि अगर बॉडी एट द बैक पड़ी है, बैक पर, तो नेक, शोल्डर, देन एंटायर बैक, सबसे पहले नेक पर, फिर शोल्डर पर, फिर पूरी
कमर के ऊपर जो है वो अपीयर हो जाएगी। वेल मार्क्ड ईयर लोब्यूल्स और अंडर द नेल। नोट सीन कहां नहीं दिखाई देगी, ऑसिपिट रीजन पर, यानी कि अगर बॉडी सीधी पड़ी है ऑसिपिट रीजन पर, शोल्डर ब्लेड्स पर, बुटॉक्स पर, काफ, हील, ड्यू टू प्रेशर ऑफ द बॉडी, बॉडी का जो प्रेशर पड़ रहा है उसकी वजह से। एब्सेंस ऑफ कलर कहां पर नहीं मिल सकता, जहां पर टाइट बैंड्स लगे हुए, यानी कि जारबंद होता है, आपका बेल्ट होती है या और कोई दूसरा धागा जैसे हिंदूज वगैरह बांध लेते हैं गले का, ये कॉलर जो है ये अगर टाइट बंधा हुआ है तो उस कंडीशन में ये चीजें अपीयर नहीं होंगी। हैंगिंग के केसेस में, हैंगिंग के केसेस में जो लिविडिटी दिखाई देगी वो आपका लोअर पार्ट ऑफ द लिम्ब्स के ऊपर आपका दिखाई देती है। अगर लिविडिटी सेट होने से पहले बॉडी की पोजिशन चेंज कर दी जाती है तो अब लिविडिटी जो है वो दूसरी साइड पर दिखाई देगी, लेकिन हल्का सा मार्क जो है उस जगह पर भी होगा जिस जगह पर यानी कि बॉडी पहले पड़ी हुई थी। 6 से 12 घंटे के बाद अगर बॉडी बदली भी जाती है, बॉडी की साइड बदली भी जाती है तो उसके अंदर कोई चीज नहीं आएगा, तो उसको हम फिक्सेशन ऑफ लिविडिटी का नाम देते हैं। ओके, अभी हम बता रहे थे ब्लू कलरेशन ऑफ द स्किन, लेकिन कुछ पॉइजन्स ऐसे हैं जिनसे कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि ये पोस्टमार्टम लिविडिटी है या किसको पॉइजन दिया हुआ है, तो वहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ये आपके देखने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस नजरिए से देख रहे हैं। तो अगर उसमें यानी कि सम पॉइजन्स लीव स्पेशल कलर्स, कुछ पॉइजन्स जो है वो स्पेशल कलर छोड़ते हैं जो तकरीबन मिलते जुलते होते हैं आपका पोस्टमार्टम लिविडिटी से। तो इसमें कार्बन पॉइजनिंग अगर है तो वहां पर बॉडी पर जो है चेरी रेड कलर अपीयर होगा। हाइड्रोसाइनिक एसिड या बर्न के केसेस में, बर्न के केसेस में आपने देखा होगा कि अगर पूरी मतलब इपिडर्मिस और डर्मिस नहीं जली है, सिर्फ ऊपर ऊपर का जला है तो रेडनेस हो जाता है, लाल हो जाता है बिल्कुल, यानी कि ब्राइट रेड कलर का आपको दिखाई देता है, तो आपका हाइड्रोसाइनिक एसिड और बर्न के केसेज में इस तरह का अपियरेंस आ सकता है। पोटेशियम क्लोरेट की पोजिशन में आपका रेड ब्राउन, ब्राउन या डीप ब्लू जो है कलर वो बॉडी के ऊपर दिखाई देगा। फॉस्फोरस पॉइजनिंग में डार्क ब्राउन या येलो कलर जो है वो बॉडी के ऊपर दिखाई दे सकता है। और इस एस्फिक्सिया के केसेस में, एस्फिक्सिया कहते हैं दम घुटकर मरने होने वाली मौतों से, दम घुटकर होने वाली मौतों से, वहां पर जो है डीपली ब्लूइश या वायलेट या पर्पल कलर जो है वो आपका दिखाई देगा। एक्सपोजर टू कोल्ड, यानी कि जैसे कोहरा वगैरह होता है या बर्फ में बॉडी पड़ी हुई है उस वक्त जो है बॉडी का कलर जो है कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। इंटरनल हाइपोस्टेसिस, यानी कि जो अंदर के ऑर्गन्स हैं उनमें किन किन ऑर्गन्स के अंडर सरफेस पर या नीचे की तरफ जो है आपका ये लिविडिटी दिखाई देगी, स्प्लीन के ऊपर, लीवर, किडनी, लैरिंग्स, लंग्स, हार्ट, ब्रेन, ये भी बिल्कुल उसी तरह से कलर चेंज करते हैं जिस तरह से अंडर द स्किन, यानी कि एक्सटर्नल पार्ट पर जिस तरह से लिविडिटी अपियर होती है इसी तरह से यहां पर भी आपका लिविडिटी अपियर होती है। चेंज इन लिविडिटी, लिविडिटी में चेंज कब आएगा, देखिए बॉडी जब प्यूटिफाई होने लगती है, जब लास्ट सड़ने लगती है, गैसेस फॉर्मेशन होने लगता है, तो उस कंडीशन में आपका लिविडिटी के अंदर चेंज आना शुरू हो जाता है, जो कि ब्राउन टू ग्रीन तक, यानी कि सबसे पहले डस्की होगा, धुएं जैसा कलर होगा, डस्की इन कलर, डस्की होगा, और उसके बाद जो है जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा ये ब्राउन टू ग्रीनिश की तरफ होता चला जाएगा, तो उससे हमें लगा यानी कि प्यूट्रिफेक्शन स्टार्ट हो गया, तो लास्ट जो है वो सड़ने लगी है, तो वहां पर जो है आपका पोस्टमार्टम लिविडिटी के अंदर चेंज आ जाएगा। ममिफिकेशन के केसेस में ब्राउन टू ब्लैक, यानी कि बॉडी बहुत दिनों तक पड़ी हुई है तो पहले वो अपने उसी कलर में आएगी जो स्टेनिंग है, उसके बाद वो कलर चेंज होता चला जाएगा, ब्राउन टू ब्लैक कलर तक चला जाता है, तो ममिफिकेशन की केसेज में इस तरह का देखने को मिलता है। मेडिको लीगल इंपोर्टेंस, देखिए मेडिको लीगल इंपोर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है इसकी, इसमें नंबर एक तो बात है कंफर्म साइन ऑफ डेथ, कंप्लीटली डेथ उसकी हो चुकी है। पोजिशन ऑफ द बॉडी एट द टाइम ऑफ इवेंट, यानी कि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त बॉडी किस पोजिशन में पड़ी हुई थी, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बॉडी किस हालत में थी, इसकी हालत बदली गई है या नहीं बदली गई है, तो पोजिशन ऑफ द बॉडी को भी कंफर्म किया जा सकता है आपका पोस्टमार्टम लिविडिटी के जरिए। एक्सटेंट, यानी कि इसका जो फैलाव है, एक्सटेंशन है, कहां से शुरू हुआ, हमने बताया कि गर्दन से शुरू हुआ है, फिर ये एंटायर बैक तक जाता है, तो इससे पता लग जाता है अगर खाली गर्दन के ऊपर है तो यानी कि अभी इसको कम ही वक्त हुआ है मरे हुए, जैसे जैसे ये बढ़ता चला जाता है
यानी कि कंप्लीट हमने क्या बताया, 6 से 12 घंटे के अंदर, 6 से 12 घंटे तक का आप बता सकते हैं, उसके बाद जो है आप नहीं बता सकते हैं। तो एक्सटेंट जो है ये, यानी कि इसका फैलाव जो है ये बता सकता है, ये अंदाजा लगा सकता है, लगवाया जा सकता है कि इसको इंतकाल हुए या इसकी डेथ हुए हुए कितना वक्त हुआ, या डेथ हुए हुए इसको कितना वक्त हो चुका है। समटाइम्स इंडिकेट कॉज ऑफ डेथ, कभी कभी जो है ये कॉज ऑफ डेथ का भी अंदाजा लग सकता है कि आदमी को पीट के मारा गया है, या हैंग करके मारा गया है, या जो है आपका उसको कोई पॉइजन देकर मारा गया है, ठीक है ना। तो ये थे आपके पोस्टमार्टम लिविडिटी। अगर इसमें कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है, ये वीडियो आपको पसंद आए, तो आप जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट भी जरूर करें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर, मेडिकल के किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको कोई लेक्चर रिक्वायर्ड है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दें, आने वाले वक्त में उसकी वीडियो भी आपको अवेलेबल करा दी जाए। थैंक्स।